नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एकराज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आज हम कंपेयर करेंगे मोटो G5G वर्सेस जो Xiaomi Redmi MI है MI का 10i के बारे में। दोस्तों दोनों की ही प्राइस आपको सेम वेरिएंट में देखने को मिलेगी, दोनों ही प्राइस सेम है, दोनों ही 5G स्मार्टफोन है और दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर लगाया गया है। अब आपको किस स्मार्टफोन को लेना चाहिए वो जानेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है एक कंपेयर आपको कौन से स्मार्टफोन को लेना चाहिए, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो आपको काफी दिक्कत आने वाली है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, इसलिए नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटो G5G की। इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी वह 6.7 इंच की डिस्प्ले रहेगी, जो कि LTPS डिस्प्ले है और ये आपको 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलती है। और बात करी जाए वहीं MI 10i की, तो इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वह 6.67 इंच की डिस्प्ले रहेगी, जो कि IPS LED डिस्प्ले है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको देखने को मिलेगी, जो काफ़ी शानदार है। और बात करी जाए दोस्तों इनके कैमरास की, इनके अंदर कैमरास से पहले बात कर लेते हैं इनके प्रोसेसर की, इनके अंदर आपको क्या प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों के अंदर ही आपको Qualcomm Snapdragon का 750G देखने को मिलता है, जो काफी ठीक ठाक काफी शानदार प्रोसेसर है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के कैमरा भी आपकी कैमरे के भी आप स्मार्टफोन कैसे हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले कैमरास के। तो इसके अंदर आपको जो कैमराज है मोटो G5G, तो इसके अंदर आपको कैमराज में देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के बैकएंड में कैमराज रहेंगे। सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। वहीं बात करी जाए दोस्तों MI 10i की, तो MI 10i के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का बैकएंड में सपोर्ट देखने को मिलता है रियर कैमरा में, जो काफी शानदार है। सेल्फी कैमरा की बात करी जाए दोस्तों, तो सेल्फी कैमरा वही 16 मेगापिक्सल का है, दोनों में सेल्फी कैमरा सेम देखने को मिलते हैं। कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है, जो काफी शानदार है। कैमरे के भी पर आपको जो है MI 10i आपको लेना चाहिए, यह काफी शानदार स्मार्टफोन है। और बात करी जाए देखिए दोस्तों कि कैमरा के जो मेगापिक्सल बढ़ने से कुछ नहीं होता, कैमरा के अंदर जो क्वालिटी है वो आप चेक करिए, उसके बाद ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों मुझे फिलहाल कुछ हद तक आपको लेना है तो उस स्थिति में आपको जो MI 10i है उस पर जाना चाहिए। बैटरी बैकअप की बात करी जाए दोस्तों, तो मोटो G5G के अंदर आपको बैटरी बैकअप 5000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि 20 वॉट के चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ में। वहीं बात करी जाए दोस्तों MI 10i की, इसके अंदर आपको 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ में 4820 mAh का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है। बेशक 80 जो लगभग 180 है वो आपको कम देखने को मिल रहा है इसके अंदर MAH, लेकिन कोई टिक टाक नहीं, वही लगभग वही सेम टू सेम चलेगा, क्योंकि इसके अंदर चार्जिंग फैसिलिटीज आपको काफी शानदार देखने को मिल रही है। तो इसमें भी हमारे सामने मेन पॉइंट रहता है कि हमें MI 10i लेना चाहिए। और बात करी जाए रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रैम की। मोटो G5G के अंदर आपको 6GB 128GB देखने को मिलती है, जो काफी शानदार है। वहीं बात करी जाए MI 10i 5G, इसके अंदर आपको 6GB 64GB देखने को मिलेगी 20,000 के अंदर की प्राइस में। तो दोस्तों उस स्थिति में आपको जो है मोटो G5G लेना चाहिए मेरी गुजारी से। तो दोस्तों प्राइस के भी पर हमने बात करी, तो कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इनमें से स्मार्टफोन आपके लिए कौन सा बेहतर है। वैसे अगर आपको परफॉर्मेंस के मामले में लेना है स्मार्टफोन्स, तो आपको परफॉर्मेंस काफी शानदार मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि आपको लेना चाहिए परफॉर्मेंस के भी पर आपको जाना चाहिए मोटो 5G के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है 20 वॉट की फैसिलिटीज के साथ में। बेशक आपको MI 10i के अंदर आपको 33 वोट का आपको उसमें फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको इसमें जाना चाहिए क्योंकि इसमें 5000 वोट का आपको फैसिलिटीज देखने को मिलती है। चार्जिंग बेशक थोड़ा कम है, फिर भी ठीक है। और बात करी जाए दोस्तों इसकी रैम है, तो इसके अंदर आपको 6GB 128GB 20,000 के अंदर देखने को मिलती है 20,999 रुपए के रेट में, लगभग 21,000 में आपको 6GB 128GB मिलती है सेम प्रोसेसर पर। तो इसलिए आपको मोटो 5G के अंदर जाना चाहिए, जो कि काफी शानदार प्रोसेसर है, दोनों का ही सेम है, लेकिन इसके अंदर आपको इंटरनल स्टोरेज ज्यादा देखने को मिलेगा।
कैमरे के भी आप दोनों ही स्मार्टफोन में जा सकते हैं। वैसे कि 108 मेगापिक्सल लगने से कोई 108 मेगापिक्सल की क्वालिटी उस टाइप की नहीं देखने को मिलेगी आपको, तो ऐसा ओरिजिनल नहीं कि वो 108 मेगापिक्सल की पिक्चर प्रोवाइड कराएगा। ये फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे उसके अंदर जितना मेगापिक्सल दिया गया है तो उसी हिसाब से क्वालिटी पिक्चर मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि आपको दिखावे के लिए 108 मेगापिक्सल पर जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्मल यूजिंग का आपका कैमरा है तो उस स्थिति में आपको मोटो 5G पर जाना चाहिए जो कि काफी शानदार है। इसके अंदर डिस्प्ले काफी भी आप पर मोटो 5G मुझे बढ़िया लगा है। हाँ, बेशक कैमरे के भी आप पर कुछ हद तक, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि MI 10i बिल्कुल ही बेकार है, नहीं, MI 10i भी बेस्ट है। प्रोसेसर आपको सेम मिल रहा है, प्रोसेसर में MI 10i भी बेस्ट है। उसी के साथ बात करी जाए तो उसको चार्जिंग के फैसिलिटीज में MI 10i आगे निकल जाता है। साथ ही बात करी जाए दोस्तों MI 10i की, डिस्प्ले के भी आप पर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले में भी MI 10i आगे निकल जाता है। फिलहाल कुछ हद तक MI 10i जैसे परफॉर्मेंस में जैसे इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, उसके अंदर रैम एंड इंटरनल स्टोरेज थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, जो मुझे इसका डू फोल लगा है। इसलिए फिर आपकी इच्छा है कि आपको MI 10i के अंदर जाना है तो जा सकते हैं। फिलहाल मैं एक बात बताऊं आपको कि MI 10i अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके उसको जल्दी बाय कर लें। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि MI 10i आपको मिल जाएगा काफी सस्ते के अंदर। अभी सेल चल रही है Amazon पर, आप देख सकते हैं। अगर आप ICICI का क्रेडिट कार्ड उपयोग करेंगे तो आपको 2,000-3,000 रुपए का जो कैशबैक मिल रहा है वो भी मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके जल्दी जाइए और MI 10i को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको Moto 5G लेना है तो उसको भी ले सकते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन काफी शानदार है परफॉर्मेंस में, और दोनों ही स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है। फिर ये आपकी चॉइस है कि आपको किस स्मार्टफोन को लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है कि आपको अगर आपको कैमरे के बिहाफ पर जाना है तो आपको MI 10i पर जाना चाहिए। परफॉर्मेंस के बिहाफ पर जाना है, इंटरनल स्टोरेज आपको ज्यादा लेना है, उस स्थिति में आप Moto G 5G पर आपको जाना चाहिए। तो ये आपने हमारा ओपिनियन जान लिया। अब आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।